हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडस्ट्री ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो प्रेशर ट्रांसमीटर के ऊपर है। तो ये मेरे पास जो आज ट्रांसमीटर है, चलिए देख लेते हैं किस मेक का है, क्या मॉडल नंबर है इसका। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे पास हनीवेल का ट्रांसमीटर है। ये लिखा है मेक हनीवेल, और इसका मॉडल नंबर देखिए यहाँ लिखा है। तो ये किस सीरीज़ में आते हैं पहले तो देख लेते हैं। कैप्सूल टाइप ट्रांसमीटर है ये, देखिए आप इसको डिज़ाइन भी देख रहे होंगे इसके। तो ये देखिए, मैं इसकी फ़िटिंग खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने क्वार्टर बाई हाफ की फ़िटिंग बनाई हुई थी, जैसे आपकी एप्लीकेशन है उसके अनुसार आप बना सकते हैं। सिंपल ये इस तरीके का है, इसमें ओरिंग दी हुई है लीकेज के लिए। तो इसका मॉडल नंबर देख लेते हैं और ये किस सीरीज़ में है। ये इसका PX2, ये जो सीरीज़ है ये इसकी सीरीज़ है फ्रेंड्स। ये जो कैप्सूल टाइप ट्रांसमीटर है इनकी ये सीरीज़ है। अगर PX2 आ रहा है तो इसका मतलब ये इनकी सीरीज़ है कैप्सूल की। और आगे देख लेते हैं CG1XX010BS, ये 10 का है। यहाँ से पता चलेगा इसकी रेंज के बारे में कि कितने बार का ट्रांसमीटर है हमारा। तो 10B यानी कि 10 बार का हमारा ये ट्रांसमीटर है। तो ये इसके मॉडल नंबर से ही इसका पता चलता है ये कितने रेंज का ट्रांसमीटर है। तो हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर जो है फ़िलहाल ये 10 बार का है। तो और देख लेते हैं इसका कनेक्टर और कनेक्शन के बारे में देख लेते हैं अब। तो देखिए फ्रेंड, इसके कनेक्टर पर लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। ये इसमें 4 पिन है टोटल, मैं आपको अंदर कनेक्टर खोल के दिखाता हूँ। तो उसमें से 4 पिनों में से एक आपकी 2 नंबर पिन जो है इसमें 24 वोल्ट DC अप्लाई करेंगे सप्लाई ऑन करने के लिए इसको। इसमें 8 से लेकर 24 वोल्ट तक ये ऑन हो जाएगा। और इसकी IP की बात करें तो IP 65 है इसकी। तो और इसकी आउटपुट जो है 1 नंबर पिन से निकलेगी, वो 4 to 20 mA आउटपुट है। ये देखिए लिखा भी है यहाँ पर, 24 सप्लाई देंगे 2 नंबर पर और आउटपुट निकलेगी 4 to 20 mA जो आउटपुट होगी इसकी वो 1 नंबर से निकलेगी। तो चलिए इसका कनेक्टर निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। इसमें स्क्रू दिया हुआ है, इसको आप लूज़ करके इसका कनेक्टर ओपन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ओपन किया है। तो ये देखिए इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था 4 पिन है इसमें। तो इसमें फ्रेंड्स, जैसी इसकी पिन है इसी अनुसार इसमें इसके कनेक्टर में ग्रुप दिए गए हैं। तो इसकी ऐसा नहीं है कि इसको कहीं पर भी हम माउंट कर लेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम देखेंगे ग्राउंड की जो पिन है उस पर ग्राउंड का सिंबल भी बना हुआ है, कनेक्टर पे भी बना हुआ है और इसकी पिन पे भी बना हुआ है। और पिन इसकी स्पेशल सबसे अलग है, देखिए बड़ी पिन जो है इसकी ग्राउंड वाली पिन है। तो इसको और इसको कनेक्टर को देख के उसी के अनुसार इसको ग्रुप में लगाएंगे। तो ये देखिए, ये ग्रुप तो आपको थोड़ा नज़र आ रहा होगा, बड़ा ग्रुप है। तो ये उसी पिन में जाएगा ऐसे, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा ये देखिए। तो इन पिनों के बारे में आपको जैसे बता रहा था कि 2 नंबर पिन के सप्लाई देंगे और 1 नंबर पे आउटपुट निकलेगी। तो इसके कनेक्शन कहाँ करने हैं वो देख लेते हैं। इस कनेक्टर के अंदर कनेक्शन होंगे, इस कनेक्टर को ओपन देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें एक साइड ग्रुप दिया होता है कनेक्टर में, ये देखिए ये साइड में जो, ये देखिए ये जो साइड में इसका ग्रुप दिया हुआ है बिल्कुल कोने में, ये इसको कनेक्टर को ओपन निकालने के लिए दिया होता है, क्योंकि किसी और में हम करेंगे तो ये पिन ख़राब हो सकती है। तो चलिए इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे टेस्टर लगाएंगे ऐसे और इसको इस तरीके से ऊपर उठाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसको उठाया और ऊपर करा, देखिए तो कनेक्टर बाहर आ गया, ये देखिए हमारा। तो ये कनेक्टर ऐसे आसानी से निकल जाएगा। स्क्रू पूरा खोला नहीं था तो मैंने स्क्रू पूरा खोल दिया, ये देखिए ये अलग कर दिया है। तो हमारे जो कनेक्शन होंगे ट्रांसमीटर के वो यहाँ पर होंगे। देखिए पिन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 1 नंबर पिन, ये देखिए 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन और 3 नंबर। तो ये इस तरीके से ये इसकी पिन है, 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर है, देखिए 2 नंबर लिखा है, ये 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर और ये ग्राउंड की पिन है। तो 2 नंबर पर हम सप्लाई देंगे तो 2 नंबर की ये वाली पिन है, तो ये वाला टर्मिनल हो गया इसका, इस पर हम 2 नंबर सप्लाई देंगे और आउटपुट की 1 नंबर पर देंगे। इसके कनेक्शन का डायग्राम दिखाता हूँ आपको कि कैसे करना है। तो मैंने एक ड्राइंग बनाई हुई है, मैं उसके अनुसार आपको दिखाता हूँ और उसके बाद इसमें कनेक्शन करके भी दिखा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कनेक्शन करके ये डायग्राम बनाया है मैंने। ये मैंने SMPS लिया सबसे पहले, 24 वोल्ट की SMPS है मेरे पास। तो इसकी इनपुट SMPS की लाइन न्यूट्रल 220 AC अप्लाई होगी इसकी, और इसकी आउटपुट 24 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये प्लस, ये माइनस। तो 24 वोल्ट देनी है हमें, जो हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है ये वाला जो मैंने आपको दिखाया था, इसकी 2 नंबर पिन में हमें देनी है 24 वोल्ट। ये देखिए पिन नंबर 2 लिखा है। तो इस प्रेशर ट्रांसमीटर की 2 नंबर पिन में 24 वोल्ट अप्लाई कर दिया हमने।
उसके बाद जो पिन नंबर वन है उसकी आउटपुट निकलेगी मिली एम्पियर में, ये देखिए मिली एम्पियर आउट एक नंबर पिन से, तो ये मिली एम्पियर जो आउट होगी। तो इसको अगर हमें कहीं पीएलसी में देना है तो उसके टर्मिनल में करेंगे, अगर किसी प्रोसेस इंडिकेटर में लगाना है तो उस प्रोसेस इंडिकेटर के पॉजिटिव में लगाएंगे। तो ये पिन नंबर मैंने जो दिया है फ्रेंड्स, एक मेरे पास प्रोसेस इंडिकेटर है, ये मैंने उसकी पिन नंबर दे रखी है, ये इंडिकेटर भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो ये फ़िलहाल जो मैंने, अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है, मेरे पास जो है सेलेक्ट का इंडिकेटर था, एक प्रोसेस इंडिकेटर, उसका मॉडल नंबर PIC 101A है, ये मेरे पास है ये देखिए, तो इसलिए मैंने इसकी पिन नंबर यहाँ पे लिख दिया। ज़रूरी नहीं आपके पास ये प्रोसेस इंडिकेटर ही हो, आपके पास कोई भी प्रोसेस इंडिकेटर हो फ्रेंड्स, तो उसके जो मिली एम्पियर इनपुट होगा उसके पॉजिटिव में आपको ये वाली वायर लगानी है। और आप इसके बाद बता दूँगा आपको माइनस की बात, तो 24 वोल्ट का जो 0 वोल्ट है वो हमें उसकी माइनस में लगानी, जो मिली एम्पियर माइनस में लिखा होगा जो प्रोसेस इंडिकेटर के इनपुट में, इसको वहाँ जोड़ना है। तो ये मैंने पिन नंबर दिया है इस वाले मॉडल की सेलेक्ट की, तो जरूर आपके पास जो भी हो आप उस हिसाब से उसको लगा सकते हो उसके पिन में। तो ये हो गया डायग्राम, अब मैं इसके अनुसार आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास SMPS है फ्रेंड्स, तो SMPS मैंने 24 वोल्ट इसकी सप्लाई इस पर 24 वोल्ट हमने सेट कर दिए इससे, तो इसकी ये पॉजिटिव नेगेटिव ये मेरे पास आ रखी है। तो ये 24 वोल्ट हमारी ये केबल आ रही है फ्रेंड्स, ये देखिए 24 वोल्ट की केबल आ रही है हमारे पास। तो इसमें जो 24 वोल्ट प्लस है वो मैंने इस केबल में ली हुई है, ये केबल मैंने ट्रांसमीटर के कनेक्टर में जोड़ी हुई है। तो ये पॉजिटिव मैंने दो नंबर पिन में दिया ट्रांसमीटर के, दो नंबर पिन में दे दिए ट्रांसमीटर के। और इससे जो एक नंबर से ब्लैक वायर निकली है, ये देखिए ये ब्लैक वायर मैंने दे दी है इसके इनपुट में, तो इसका इनपुट देखिए यहाँ पर 7 और 8 नंबर इसका मिली एम्पियर का इनपुट है, तो 8 नंबर पॉजिटिव है। तो ये ब्लैक वाली वायर जो हमारे मिली एम्पियर की ट्रांसमीटर से आ रही है वो 8 नंबर में जोड़ दिया, और जो तो और बाकी 24 वोल्ट जो 0 वोल्ट है हमारी, ये डायरेक्ट हमने 7 नंबर में दे दिया, 7 नंबर कॉमन है, 8 नंबर पॉजिटिव मिली एम्पियर है। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा है 7 नंबर और 8 नंबर पिन है, तो 7 नंबर पिन में डायरेक्ट माइनस देनी है हमें 0 वोल्ट, ये दे रखी है जो मैंने, और जो 8 नंबर में देनी है वो जो मिली एम्पियर निकला है यहाँ से ट्रांसमीटर से वो देनी है हमें 8 नंबर में। तो इस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन कर दिए हैं। तो इसको पावर अप कर दिया है, देखिए मैंने पावर इसकी पावर सप्लाई दे दी है 220 वोल्ट, तो ये ऑन हो गया अभी। तो चलिए ट्रांसमीटर को चेक करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये पिन ट्रांसमीटर में लगा रहा हूँ। तो अब इस कनेक्टर को मैं ट्रांसमीटर से कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ही इसमें कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा प्रोसेस इंडिकेटर में 0 वैल्यू आ जाएगी बिना प्रेशर के। इसमें मैंने रेंज फिलहाल 10 kg की, इसमें ये 10 बार का हमारा PT था, तो इसमें मैंने 10 बार का रेंज डाली अप्लाई करी हुई है इंडिकेटर में भी। तो चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ अभी, देखिए मैंने इसको कनेक्ट किया, जैसे मैंने कनेक्ट किया देखिए यहाँ पर इंडिकेटर में, प्रोसेस इंडिकेटर में 0 आ गया, तो 0 प्रेशर आ रहा है अभी। तो इस ट्रांसमीटर को मैं प्रेशर पे माउंट करता हूँ, एयर प्रेशर पे, और जैसे जैसे मैं एयर बढ़ाऊँगा आपका वैसे वैसे प्रेशर दिखाई देगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एयर की लाइन में ये ट्रांसमीटर माउंट कर दिया है अभी। तो आपको जहाँ आपका आप माउंट करना चाहते हो, किसी पानी की लाइन में, एयर की लाइन में, जहाँ भी आपको यूज़ करना हो उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एयर की लाइन में इसको माउंट कर दिया है, ये वाल ओपन कर दिया है, ये मेरे पास रेगुलेटर है, एयर रेगुलेटर, इससे मैं जितना प्रेशर बढ़ाऊँगा उसके अनुसार ये मिली एम्पियर निकालेगा और उतना ही प्रेशर हमारा इंडिकेटर में आएगा। तो ये मेरे पास प्रेशर गेज है मैनुअली देखने के लिए, इसके ये वहाँ पे भी रेगुलेटर में भी गेज लगाया और इसके हेडर में बनाया हुआ एयर का इस पर भी लगा हुआ है गेज, तो इस पर हम देख सकते हैं कितना प्रेशर है। अभी 0 प्रेशर है, इंडिकेटर भी हमारा 0 दिखा रहा है, अभी मैं प्रेशर बढ़ाऊँगा उतना ही प्रेशर हमारा इंडिकेटर शो करेगा। तो ये देखिए मैं रेगुलेटर में प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, तो ये देखिए जैसे जैसे गेज में प्रेशर बढ़ रहा है, ये देखिए 1 kg के आसपास किया है मैंने, और यहाँ पे भी देखिए 1 kg आ गया है, और मैं बढ़ा रहा हूँ 2 kg कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने 2 kg प्रेशर दे दिया है, और इंडिकेटर में भी देखिए 2 kg प्रेशर आ चुका है, और बढ़ा रहा हूँ मैं इसको, देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 kg कर दिया है, और इंडिकेटर में भी 3 kg आ गया है। तो इस तरीके से प्रोसेस इंडिकेटर में यूज ले सकते हैं इस ट्रांसमीटर को। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की हनीवेल के ट्रांसमीटर की वीडियो, जो हमारा PX2 सीरीज़ का ट्रांसमीटर है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर